शिवपुरी के ग्राम बिजरी में युवक से 2 दिन पहले हुआ मुंहबाद भारी पड़ गया। वही युवक को डीपी पर चढ़ा दिया और बाद में लाइट चालू कर दी, जिससे युवक घायल होकर नीचे गिर गया। वह इलाज के दौरान युवक के दोनों हाथ काटने पड़े। जानकारी के अनुसार सोनू दांगी ने बताया कि उसका 2 दिन पहले गांव के ही सुनील दांगी से विवाद हुआ था, जिसके चलते युवक अपने घर पर था। वहीं युवक के घर गांव का सेक्रेटरी हेमंत दांगी, अमित लोधी एवं कल्ली कुशवाहा आए और सोनू दांगी को खेत पर ले गए। वहीं सुनील दांगी का खेत जब सोनू ने देखा तो उसने काम करने से मना कर दिया। सुनील दांगी के साथ खेत पर राजू दांगी, पहलवान दांगी, दुर्गेश दांगी, ब्रजेश कुशवाहा, जाकिर दांगी भी मौजूद थे। वहीं उन्होंने कहा कि डीपी पर काम करना है, उसके एवज में 500 रूपए मिलेंगे। तभी सोनू दांगी डीपी पर काम करने लगा। तभी सुनील दांगी ने अपने फर्जी मोबाइल नंबर से अमित लोधी लाइनमैन को फोन कर लाइट चालू करवा दी, जिससे सोनू दांगी करंट की चपेट में आ गया और नीचे गिर गया। युवक के दोनों हाथ जल गए। वहीं घायल को कोलरस स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उसे शिवपुरी रेफर कर दिया। शिवपुरी से ग्वालियर रेफर किया, ग्वालियर से दिल्ली, जहां पर युवक के इलाज के दौरान दोनों हाथ काटने पड़े। वहीं आज सोनू दांगी ने एसपी को आवेदन सौंप कर कार्रवाई की गुहार लगाई है। मोनू नामदेव, शिवपुरी। सोनू दांगी क्या समस्या लेके आए एसपी? करंट लगा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। काम करते में लाइट छुड़वा दी। कहाँ पे काम कर रहे थे आप? गांव में, बिजली गांव। किस जगह पे काम कर रहे? खेत पे, मतलब कोई डीपी पे? हाँ, डीपी पे। हाँ, और लाइन किसने छोड़ गई? सुनील दांगी ने। तो कोई क्या सोची शादी राजस्थान? हाँ, दो दिन पहले उससे खोचड़ हुई थी। अच्छा, पुराना झगड़ा भी था। तो पुराना आपके लिए झगड़ा पैसे थे उस पे। अच्छा, आपने शिकायत की उसकी? हाँ, शिकायत की थाने पे। 1 महीने से चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। कब की घटना है? 6/30 की। अभी तक कोई सुनवाई नहीं? कोई नहीं। क्या चाहते हैं आप? सुनवाई होना चाहिए।